जनपद के कैंट थाने व शाहपुर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कैंट व शाहपुर थाने में दो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें थाना कैंट पर डीआईजी के घर के पास एक हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग करने वाले सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी सुपई घाट थाना बेलघाट, दूसरा राहुल शर्मा पुत्र सुनील शर्मा निवासी गायबेला थाना शिकरीगंज, तीसरा विशाल सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी हरिहरपुर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, चौथा विनय यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी महादेव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे थे जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वह बिना लाइसेंस के हॉस्पिटल चलाते थे, जिसको देखते हुए अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही शाहपुर थाने में मुफ्त में शराब पीने, हत्या का प्रयास करने, हत्या करने में राजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय आशीष तिवारी निवासी टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा नवनीत मिश्रा उर्फ लकी मिश्रा पुत्र शशिकांत मिश्रा निवासी सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी जेल रोड असरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के ऊपर मुकदमा पंजीकृत था। इनके ऊपर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट एवं थाना शाहपुर द्वारा दो गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना कैंट द्वारा डीआईजी महोदय के आवास के बाहर एक हॉस्पिटल पर फायरिंग करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था एवं उन पर अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बाद में गैंगस्टर का भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। वो लोग माफिया बन के हॉस्पिटल चलाते थे, इनके पास किसी प्रकार का हॉस्पिटल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था एवं एक काफ़ी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास था। इनकी भी प्रॉपर्टी खंगाल कर 14A की कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर थाना क्षेत्र में मन बढ़ाई कर और मुफ्त में शराब पीने, हत्या के प्रयास करने एवं हत्या के अभियोग जिन लोगों पर पंजीकृत थे, उन लोगों का एक गैंग संचालित हो रहा था। उस गैंग को थाना शाहपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया है एवं उसके बाद में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। उनकी भी 14A की कार्रवाई कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।